हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कई ढेर सारी जानकारी लेकर आए हैं। सामने देख सकते हैं सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर महाप्रबंधक निरीक्षण स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है। जीएम साहब का दौरा हुआ था, विनय कुमार त्रिपाठी जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम हैं, और उन्होंने सुबह सुबह 8:30 बजे सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहाँ पर जो टीटी रनिंग रूम है उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा जो हेल्थ यूनिट है सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उसका भी उद्घाटन किया। और ये ट्रेन महाप्रबंधक निरीक्षण स्पेशल ट्रेन सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है। तो काफ़ी कुछ चीज़ों का यहाँ पर उद्घाटन किया, और दूसरी बात यहाँ पर यात्री सुविधाओं से संबंधित कई चीज़ों का मुआयना भी किया। सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को कामरान भाई ने बनाकर भेजा है। ये है कामरान भाई, जिन्होंने एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो बनाकर हमें भेजा। थैंक यू सो मच मेरे भाई एक अच्छा सा वीडियो भेजने के लिए। तो यहाँ से फ्रेंड्स नज़र डालिएगा, देख सकते हैं ये हेल्थ यूनिट का उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पर LED डिस्प्ले स्क्रीन भी लगी हुई है, और इसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर। तो GM साहब का वार्षिक दौरा था, खासतौर से सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का और सीतापुर बुरवल रूट का, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ यूनिट का उद्घाटन किया गया है, TT रनिंग रूम का भी उद्घाटन किया गया था, और चूँकि उसका वीडियो यहाँ पर नहीं शूट किया गया इसलिए हम नहीं दिखा सकते हैं आप लोगों को। तो काफ़ी यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तो कितना नीट एंड क्लीन है यहाँ पर ये जो अस्पताल, एक छोटा सा है हेल्थ यूनिट, फर्शें चमक रही थी। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एक वार्षिक दौरा होता है GM साहब का, तो GM साहब ने सभी क्षेत्र का दौरा कर लिया, लेकिन अभी तक जो लखीमपुर और मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन है वहाँ का दौरा नहीं किया। संभवतः हो सकता है इस साल GM साहब इन रेलवे स्टेशनों का दौरा ना करें। तो ये पार्क का नज़ारा है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आप लोगों को एक और जानकारी देना चाह रहे हैं कि टनकपुर से शक्ति नगर सिंगरौली के बीच में चलने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस का संचालन अपरिहार्य कारण के कारण रोक दिया गया है। यानी कि ये ट्रेन 9 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक रद्द रहेगी, और कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इस वजह से हम आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसकी जो कटिंग है निरस्तीकरण की मैंने इस वीडियो के अंत में लगा दी है। आप लोग वीडियो को चाहो तो रोक कर अंत में पढ़ सकते हैं। तो सामने देख सकते हैं GM स्पेशल ट्रेन बुढ़वल की ओर रवाना होती हुई, यानी कि गोरखपुर की ओर, और इससे निरीक्षण भी किया जा रहा है सीतापुर बुढ़वल रूट पर डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का, कि जितने भी काम हैं वो सब कुछ अच्छी तरह से किए जा रहे हैं, यानी कार में तेजी है या नहीं है तेजी। इसके अलावा DRM साहिबा ने भी पिछले 1 महीने में 2 से 3 एक बार यहाँ पर का निरीक्षण किया सीतापुर बुढ़वल रूट का, और शायद इसी वजह से जल्द सीतापुर बुढ़वल रूट डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, यानी कि बुढ़वल से रोज़ा तक वाया सीतापुर होते हुए। तो GM स्पेशल ट्रेन गोरखपुर की दिशा में रवाना होती हुई, तो त्रिवेणी एक्सप्रेस का संचालन रद्द कर दिया गया है 3 हफ्तों के लिए, और कारण जैसे ही पता चलेगा तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। और काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, खासतौर से टनकपुर, पीलीभीत, बरेली, लखनऊ के निवासियों को, क्योंकि इलाहाबाद जाने के लिए एकमात्र कह सकते हैं पीलीभीत वालों के लिए, टनकपुर वालों के लिए, और लखनऊ वासियों के लिए भी काफ़ी अच्छी ट्रेन होती थी इलाहाबाद जाने के लिए या शक्ति नगर सिंगरौली जाने के लिए, और अब उसकी सुविधा बंद कर दी गई है। खैर, अगले महीने से फिर से इस ट्रेन का संचालन, यानी कि त्रिवेणी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कारण पता चलेगा उस कारण से आप लोगों को अवगत भी कराया जाएगा। तो GM स्पेशल ट्रेन गोरखपुर की दिशा में रवाना होती हुई, अब जैसे कि सीतापुर बुढ़वल रूट पर तो निरीक्षण हो रहा है, अभी हाल ही में रोज़ा जंक्शन से मैगलगंज के बीच में CRS स्पीड ट्रायल भी करा लिया गया, और जैसा कि सुनने में आ रहा है वो CRS स्पीड ट्रायल सफल रहा। हालांकि हम आप लोगों को उसका वीडियो नहीं दिखा पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एकाएक वहाँ पर CRS स्पीड ट्रायल करा लिया गया जिसके बारे में पता नहीं चल पाया था। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा
वीडियो सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और त्रिवेणी एक्सप्रेस के बारे में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।